हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम एडिट लॉग वर्जन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में आपको मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपने ठीक से वीडियो देख लिया तो 100% आपको रिसिप्ट और इसके साथ साथ परचेज, इसके साथ साथ सेल्स और पेमेंट, इन सारे वाउचर्स की 100% गारंटी के साथ फुल नॉलेज होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले टैली प्राइम का जो एडिट लॉग वर्जन है इसे ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद पहला काम है कंपनी को बनाना। हो सकता है कि आपके पास पहले से कंपनी बनी हुई हो जिसमें कि आपको काम करना हो, ठीक है, लेकिन हम एक नई कंपनी बनाएंगे और यहाँ से एजुकेशनल बोर्ड में मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और एजुकेशनल बोर्ड में कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक नई कंपनी हम बनाएंगे। तो देखिए, ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, यहाँ पे जाइएगा, क्लिक करिएगा तो एक नया फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको भर देना है, ठीक है। जैसे आपकी कंपनी का क्या नाम है, ठीक है, तो myshop.com के नाम से एक कंपनी बना रहा हूँ, myshop.com। तो ये myshop.com के नाम से एक कंपनी हमने बनाई जिसका लोकल एड्रेस यही है मेरा, जो मैं हमेशा रखता हूँ, न्यू कॉलोनी देवरिया। एंटर करता हूँ और यहाँ पे यू प्रेस करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, तो ये यू हो गया। फिर यहाँ पर 274001 ये हमने कर दिया पिन कोड, और यहाँ पर टेलीफोन नंबर आएगा, बाकी यहाँ पर जो आपका फोन नंबर वगैरह हो तो एकदम ही फोन नंबर हमने डाल दिया, फैक्स नंबर, ईमेल वगैरह आप डाल सकते हैं। यहाँ पर काम शुरू होने की डेट और ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होने की डेट, तो हमारे इंडिया में तो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। अगर आप यूएई या अदर किसी कंट्री से बिलोंग करते होंगे तो शायद वहां पर 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन हमारे इंडिया में तो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। तो 1 अप्रैल 2024 की डेट रख दी है, काम भी हमारा 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है। अगर आपका 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल या किसी अन्य डेट से शुरू हो रहा हो तो वो अन्य डेट भी रखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका काम 1 मई से शुरू हो रहा हो तो यहाँ पर 1/5/2024 रखा जा सकता है। तो ये हो गया, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आपको एंट्री इसी डेट पे करनी पड़ेगी, ठीक है, 1 मई के ही डेट पे करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंटर करेंगे, इसमें सबसे पहले हम जीएसटी को चालू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी चालू करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला ऑप्शन देखिएगा, ये इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को यहाँ पे जाके आपको यस करना है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ही रहेगा। कंपोजिशन डीलर वो डीलर होते हैं जो कि हर 3 महीने पे जीएसटी फाइल करते हैं, फिलहाल हम रेगुलर जीएसटी फाइल करेंगे। यहाँ पर आपका जीएसटी आई नंबर जो भी हो वो आ जाएगा, मंथली जीएसटी हम फाइल कर ही रहे हैं। यहाँ पे ई इनवॉइसिंग आपको देना है या नहीं वो देख लीजिएगा, बाकी सारी डिटेल इस तरीके से डालते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है सेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, तो इसको भी यस कर लीजिएगा। और यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं आप चाहे तो जीएसटी की डिटेल को, या क्लासिफिकेशन बना सकते हो, तो फिलहाल हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 8 अंकों का HSN कोड आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 8 अंकों का HSN कोड डाल करके एंटर करिएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे डिटेल को, और यहाँ टैक्सेबल रखेंगे। बाय डिफॉल्ट 12% लगा दिया है हमने, थ्रेशोल्ड लिमिट आप देख ही सकते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ इनवॉइस हम यहाँ पे दे देते हैं, और एंटर एंटर करके इसे भी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यहाँ से एक्सेप्ट करा लिया, और एक्सेप्ट कराने के बाद ये हमारी कंपनी बनकर के तैयार, ठीक है। पहली एंट्री रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि हम कंपनी में पैसा रिसीव कराएंगे इसीलिए हमेशा कंपनी में रिसिप्ट वाउचर में पहली एंट्री पास करनी होती है, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री नहीं की और आपने कोई सामान परचेस किया तो फिर पेमेंट कैसे करेंगे आप अपने कंपनी में, अपने टैली सॉफ्टवेयर में आप पेमेंट दिखाई नहीं पाएंगे अगर आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री नहीं करेंगे तो, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए पहली एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करिएगा, ठीक है। तो वी बटन प्रेस कीजिए, आ जाइए कहाँ पे, रिसिप्ट वाउचर में। यहाँ पे देखिए, रिसिप्ट वाउचर के लिए आपको F6 प्रेस करना है, आप रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि हमें तो डेबिट क्रेडिट आती नहीं है तो फिर हम कैसे ये सीख पाएंगे, तो डेबिट क्रेडिट नहीं आती है तो भी सीख पाएंगे, गारंटी है। यहाँ पर आपको टैली प्राइम में क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, क्रेडिट किसे करना है, कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कहलाता है कैपिटल। तो हमें यहाँ एक लेजर बनाना है, एक खाता बनाना है कैपिटल अकाउंट का, बस क्रिएट पर ही हमारा कर्सर है, ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन क्रिएट ही सिलेक्टेड है। या तो यहाँ माउस से क्लिक कर दीजिए या तो आप सीधा एंटर कर दीजिए, ये एक विंडो खुलेगी। यहाँ पे लेजर बनाना है किसका, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेजर बन जाएगा। ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप रहेगा, एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। जब एक्सेप्ट करवा लेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, तो मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए से काम स्टार्ट किया, तो यहाँ 5 लाख रुपए डाल दिया हमने। अब ये काम आपने बैंक में पैसे जमा करके स्टार्ट किया है या कैश से स्टार्ट किया, मान लीजिए हमने कैश से किया तो यहाँ कैश डाल देंगे, और यहाँ पर बिजनेस स्टार्टेड दे सकते हैं, फिलहाल मैंने स्किप कर दिया, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो हमारी पहली एंट्री हो चुकी है। अब हमें कहाँ एंट्री करनी है, अब हमें परचेज में एंट्री करनी है, यानी F9 वाले वाउचर में एंट्री करनी है।
यहां पर आ गए, यहां पर आपको एक सप्लायर बिल देगा, ठीक है। आप जाहिर सी बात है प्रोडक्शन तो करते नहीं होंगे हर एक सामान का, जैसे अगर मान लीजिए आपका लैपटॉप का शॉप है, ठीक है, या आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह के प्रोडक्ट है, कंप्यूटर वगैरह के प्रोडक्ट है, उसमें डील करते हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप कंप्यूटर तो बनाते नहीं होंगे, लेनोवो कंपनी या डेल कंपनी या एचपी कंपनी, ये आपके घर की तो है नहीं, तो आप कहीं से परचेस करके लाएंगे तो उस पर आपको कुछ बेनिफिट होगा, आप होलसेलर पार्टी हैं, आपको कुछ बेनिफिट होगा, तो आपसे जो लोकल सप्लायर है वो खरीदेगा। तो यहां पर अगर हमने आपसे खरीदा है, आपका मतलब आपसे खरीदा है, इसका मतलब है होलसेलर पार्टी से हमने खरीदा है, और होलसेलर पार्टी हमें एक बिल देगी और उस बिल को देख करके हमें यहाँ एंट्री करनी होगी। सपोज कीजिए उसने जो बिल दिया उसका इनवॉइस नंबर उसने रखा 43 और यहाँ पर 1 मई को ही ये परचेजिंग हुई है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कैश का, ये याद रखिएगा कि 95% मामलों में कैश का लेजर नहीं बनता, ये पहले से दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि नई कंपनी बनाई है और कैश का लेजर हमने तो बनाया ही नहीं है, लेकिन कैश का लेजर दिख रहा है, हमने एक ही लेजर बनाया कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट पे आते हैं, एंटर कर देते हैं और यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे, किसका लेजर बनाएंगे, क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाएंगे। क्रेडिटर पार्टी का लेजर क्यों, क्योंकि देखिए बिजनेस में जो सामान खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो 50% बिजनेस जो है उधार पे चलता है, तो यहाँ पर उधार की परचेजिंग होगी। अगर आप वहां कैश कर देते हैं तो सीधे तौर पर यह दिखाई पड़ेगा कि आप सारा सामान कैश में परचेज कर रहे हैं, आप कैश भी कर सकते हैं अगर आप कैश देते हैं तो, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा रहे हैं। यहाँ पे लिखता हूँ के सप्लायर, सप्लायर, ठीक है, तो ये हो गया के सप्लायर और एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप आएगा, एस प्रेस कीजिएगा, एस वाले ग्रुप हाईलाइट हो जाते हैं और यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर रख दीजिएगा और एंटर करते हुए इनका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए इनका एड्रेस है गोरखपुर का, तो यहाँ गोरखपुर डाल दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया। और ये हमारे सप्लायर की डिटेल है, ध्यान दीजिएगा ये हमारे सप्लायर की डिटेल है और उनका जो पैन नंबर है वो यहाँ पे दे दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के ये पैन नंबर आपको सही डालना है, ये देखिए ये पैन नंबर बिल्कुल सही डालिएगा, देखिए अभी भी गलत हो रहा है, ये हो गया सही, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर डीलर हैं, इनका जो भी GSTIN नंबर होता हो वो GSTIN नंबर आप डाल दीजिएगा यहाँ पे और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट कराएंगे तो ईवे बिल अगर आपने यस किया है तो ये सारी डिटेल भरनी जरूरी है आपको, ठीक है। फिलहाल हमने ईवे बिल को यस किया नहीं है तो इस डिटेल्स को हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर एंटर करते हुए आ जाते हैं और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब यहाँ पर पेज फंसता है, यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज लेजर, तो आपको यहाँ अल्ट सी कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, अल्ट सी प्रेस करना है और एक परचेज अकाउंट का लेजर बनाना है। ये हो गया परचेज, ये ऑब्लिक सी अकाउंट कर दिया और यहाँ पे पी प्रेस किया, तो पी प्रेस करते ही परचेज अकाउंट का ग्रुप आएगा, ठीक है। और जैसे ही ग्रुप आएगा तो यहाँ पर लेजर, अब देखिए लिखा हुआ टाइप ऑफ लेजर, तो हम डिस्काउंट या राउंडिंग तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एसीसीएबल वैल्यू आ रहा है, इसको भी आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल ही रहेगा, बाकी सारी डिटेल आप भर ही चुके हैं, तो यहाँ पर इसे यस करा लीजिएगा। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाने की बारी है, हमने तो कोई स्टॉक आइटम ही नहीं बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी बना सकते हैं। वही अल्ट सी प्रेस करना है आपको स्टॉक आइटम बनाने के लिए और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैपटॉप, तो ये हो गया लैपटॉप और एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे यूनिट्स में हमें क्या करना है, क्रिएट पे जाकर एंटर करना है। जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंबल में क्या देना है, लैपटॉप खरीदेंगे तो कितने में, किस क्वांटिटी में खरीदेंगे, नंबर्स में खरीदेंगे, किलो में तो खरीदेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो सिंबल है वो एनओएस दे दिया है और यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स और एंटर कर देते हैं। यहाँ पे एन प्रेस करते हैं नंबर्स के लिए और यहाँ एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। आप अगर स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड रेट सेट करने का क्या मतलब है, जैसे ही वाई प्रेस करके एंटर करेंगे तो पूछेगा कि परचेज कितने में आपने किया था, ठीक है, जो बिल मिला है सप्लायर द्वारा उसमें आपने एक लैपटॉप कितने में परचेस किया है, तो मान लीजिए हमने 20,000 में परचेस किया है, ठीक है, हम बेचेंगे तो 30,000-35,000 का ऐसे बेचेंगे। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो मान लीजिए इसकी कीमत हम सेलिंग की रखेंगे 35,000, तो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप आता चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सेट कर दिया, अगर आप अलग से जीएसटी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए रेट जो दिया गया यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन फिलहाल हमें चेंज नहीं करना, हमें यही रखना है और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराना है। अब मान लीजिए 55 लैपटॉप परचेस किए गए तो उसकी कीमत यहाँ आ गई। इसके बाद जो है डेस्कटॉप, तो अल्ट सी करके फिर यहाँ पे बना लेते हैं डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप किया हमने, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पे एनएस ही रखेंगे और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट सेट करेंगे, तो हमें खरीद रेट पड़ी है 12,000 की और हम बेचेंगे तो 20,000 का बेचेंगे या 22,000 का बेचेंगे, तो यहाँ 22,000 रुपए कर देते हैं सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये एक्सेप्ट हो गया।
अब मान लीजिए कि 20 डेस्कटॉप भी परचेज हुए हैं, ठीक है, अब यहां पर एंटर करेंगे, अब यहां पर जीएसटी की बारी आएगी। तो जीएसटी तो हमने चालू कर रखा है, तो आपको करना क्या है, अल्ट सी, आप या तो यहां क्रिएट पे जाके एंटर कर दीजिए, या तो एक शॉर्टकट की है अल्ट सी प्रेस कीजिए यहां लेजर बनाने के लिए। अब देखिए सेम स्टेट है, जो सप्लायर है और जो हमारी दुकान है दोनों सेम स्टेट के हैं, ठीक है, वो भी यूपी के हैं और हम भी यूपी के हैं, तो ऐसी स्थिति में सीजीएसटी दो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों टैक्स हम लगाएंगे। तो ये सीजीएसटी किया हमने, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस करना है, क्या करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप रखना है। तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस किया, अच्छा हम तो जीएसटी ही लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको जीएसटी ही लेना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीएसटी को सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लीजिएगा सीजीएसटी, सीजीएसटी कर दिया। अब ये राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, जब एक्सेप्ट कराएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट होता हुआ नजर भी आ रहा होगा आपको, एंटर करिए। अब जब सीजीएसटी लगाया है तो इसके साथ साथ एसजीएसटी भी लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एसजीएसटी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अगर डिफरेंट स्टेट का मामला होता तब क्या करते, तब आईजीएसटी लगाते। ऐसा नहीं है कि अगर आईजीएसटी लगाएंगे तो खाली आईजीएसटी ही लगेगा, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा, जब सेम स्टेट का मामला होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है तो वो दो गुना टैक्स हो जाएगा, नहीं, टैक्स आधा आधा डिवाइड हो जाता है दोनों में, ठीक है ना, और आईजीएसटी रहेगा तो अकेले दोनों को मिलाकर के उतना ही टैक्स अकेले लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस रख के जीएसटी कर दीजिएगा, और यहाँ पे तो करना है एसजीएसटी, ये ध्यान रखिएगा। तो एसजीएसटी कर दिया और यहाँ पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग और एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हो गया, अब यहाँ पर एंटर करके और ई वे बिल अगर आप देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से डिस्पैच हुआ ये, गोरखपुर से, तो कम से कम ई वे बिल के लिए 50 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, ई वे बिल के लिए कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम गोरखपुर कर देते हैं, 50 किलोमीटर हो ही जाएगा देवरिया गोरखपुर, ठीक है। और शिफ्ट जा कहाँ रहा है, तो देवरिया में जा रहा है, डी ओ आर आई ए देवरिया कर दिया। और यहाँ किससे जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नेम, ठीक है, तो यहाँ राम किशन कर देते हैं, तो ये हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की जो भी आई डी हो वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे बाय रोड जा रहा है ये, ठीक है, और व्हीकल नंबर यूपी 52 53 जो भी देना है यहाँ पे आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो यूपी 52 33 U, ये मान लीजिए हमने एक डमी नंबर दे दिया है, और यहाँ पे व्हीकल टाइप रेगुलर टाइप का है या क्या है ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रेगुलर ही कर देता हूँ, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे, और यहाँ पे दे देंगे द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। एक्सेप्ट कराएंगे तो अब यहाँ से बाहर आने के लिए आपको एस्केप ESC का एक बटन प्रेस करना है, जो कीबोर्ड में एकदम ऊपर साइड में लेफ्ट साइड में होगा, वो प्रेस करके एंटर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जाना है डे बुक में, तो आप सीधा K प्रेस कर सकते हैं या यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल है परचेस का, ठीक है, Alt P किया, एंटर किया और I बटन प्रेस करेंगे, तो देखिए ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। कभी कभी आप ये भी चाहते हैं कि इस पर का नाम चेंज कर दिया जाए, ये इनवॉइस लिखा हुआ ना आए, ठीक है। और ये सप्लायर का है, इसके लिए आप जो है ये भी देखेंगे कि यहाँ Shift टू लिखा होगा, ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है Shift टू, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर दुकान का नाम आएगा, देख रहे हैं ये दुकान का नाम है, तो सप्लायर के बिल में यहाँ दुकान का नाम भी आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाहर आते हैं इससे, ये तो हमारा हो ही गया। अब मान लीजिए आपको ये देखना है कि इस पर टैक्स कितना परसेंट लगा है, ये भी प्रिंट हो जाए बिल पर, तो यहाँ कॉन्फ़िगर पे जाकर के और यहाँ देखिए जीएसटी रेट इन परसेंट, ये जाकर के यहाँ यस कर दीजिएगा, कंट्रोल ए कर दीजिएगा और आई बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज में आने लगेगा कि टैक्स कितना कितना परसेंट लगा है, 12% लगा है। देखिए मैंने कहा था ना कि यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी से यही होगा कि ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आधा आधा डिवाइड होने का मतलब इसको आप सेपरेट सेपरेट देखना है, तो फिर यहाँ पर आइए और यहाँ कॉन्फ़िगर पे आइए, और ये सेपरेट सेपरेट देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आइटम वाइज जीएसटी ये दिया है ना, तो आइटम वाइज जीएसटी अगर आपको देखना है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, इसको कंट्रोल ए कर दीजिए और फिर इसको प्रीव्यू कीजिए। तो देखिए अब आइटम वाइज दिखाएगा कि किस पे कितना लगा है, तो 6% के हिसाब से डिवाइड हो गया, 12% देख रहे हैं लग उतना ही रहा है, लेकिन 6% के हिसाब से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, इस अब तो ये उधार में परचेसिंग हुई है, मैंने कहा था कैश अगर लगाएंगे तो आप कैश लेंगे तब कैश लगाएंगे, अगर मान लीजिए कैश ना मिला उधार में परचेसिंग हो गई तब क्या करेंगे। अब यहां से बाहर आते हैं, इसके बटन प्रेस करके बाहर आ गए, उधार में परचेसिंग हुई इसका मतलब है कि हमको पैसा अभी प्राप्त नहीं हुआ, हमको प्राप्त करना है, तो F2 प्रेस कीजिए, यहाँ पे डेट चेंज कीजिए, देख लीजिए कौन से डेट में आपको पूरा पेमेंट मिल रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि 1 जुलाई को इन्होंने दिया, तो 1/7/2024 कर दिया हमने, डेट चेंज हो गया, F2 करके आप डेट चेंज कर सकते हैं, फंक्शन बटन F2 से, ठीक है।
अब क्या करना है, यहाँ पे वी बटन प्रेस करके आना है पेमेंट वाउचर, क्योंकि परचेज हुआ है तो परचेज के बाद पेमेंट ही होगा, ठीक है। अब कमाल देखिएगा, यहाँ पर पेमेंट हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव कैश का मैसेज नहीं आएगा, F5 करके पेमेंट करेंगे। अब मान लीजिए आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा सप्लायर पार्टी का लेजर लगा देना है, कुछ नहीं करना है, आपने परचेस किया तो सप्लायर पार्टी का लेजर लगा दीजिए, जो भी यहाँ पेमेंट वाउचर खोलते जो भी यहाँ आए, ठीक है। वैसे डेबिट ही आएगा तो यहाँ पे डेबिट आ रहा है ना, तो यहाँ सप्लायर पार्टी का लेजर लगा दीजिए, आपको कुछ करना ही नहीं है, सप्लायर पार्टी का लेजर लगाया। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट भी आ गया, तो जो भी आप पैसा देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इतना अमाउंट देना चाहते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो ये देखिए 15,800 रुपए है, तो यहाँ पर इतना अमाउंट अगर हमने दे दिया तो ये विंडो आती है, तो ये अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप आ जाएगा, सारी सेटिंग मैंने कर रखी है। और मान लीजिए कि ये पैसा कैश में आप दे रहे हैं, क्योंकि कैश में ही हमने रिसीव भी कराया है, तो कैश में ही मैं दे रहा हूँ, आप चाहे तो बैंक के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन जरा देखिए हमने रिसीव कितना कराया था, हमने रिसीव कम ही कराया था, 5 ही लाख कराया था, तो 10 लाख माइनस में जा रहा है, ये नेगेटिव कैश है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप पैसा उतना ही दे पाएंगे जितना आपके पास होगा, ठीक है। अगर आप एंट्री एंटर एंटर करके कर देते हैं तो फंस जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको 5 लाख ही रखना है, तो 5 लाख रखेंगे तो कोई नेगेटिव कैश का मैसेज नहीं आएगा, लेकिन नीचे आपको शो करेगा कि अब 1 रुपया आपके पास बचा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये शो करेगा कि अब आपके पास 1 भी रुपया बचा नहीं है। यहाँ पर देखिए ये दिखा भी रहा है, 0 कैश जो है बैलेंस दिखा रहा है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये पेमेंट हो गया, नरेशन डाल सकते हैं, तो ये पेमेंट हो गया। लेकिन अब अगर कोई चीज आप परचेस करते हैं तो आप पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है, तो पेमेंट कहां से करेंगे, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब जब आप सेल करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने रिसीव कर लिया, सप्लायर द्वारा दिया गया बिल का पूरा एंट्री कर लिया आपने, उनको पेमेंट भी कर दिया है, अब आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, अब आप खाली बेचिए सामान को, ठीक है। मान लीजिए बेचने के लिए एक डेट है, तो यहाँ 1 जुलाई को ही या जो डेट चल रही है उसी डेट पे हम बेच देते हैं, तो F2 किया और कहाँ जाएंगे, F8 करके सेल्स वाउचर में जाएंगे, ठीक है, सेल्स वाउचर में जाते हैं। तो यहाँ सेल्स वाउचर में आए, और सेल्स वाउचर में आने के बाद यहाँ पर हम किसको सामान बेच रहे हैं, तो हम उधार में नहीं बेच रहे हैं, कैश बेच रहे हैं, तो कैश बेच रहे हैं तो यहाँ कैश का लेजर सीधा लगा देंगे, बाकी यहाँ पर ये सारी डिटेल वगैरह आएगी, जबकि हम ईवे बिल वगैरह की बात करते हैं तो ये पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये तो कंज्यूमर है, तो यहाँ देखिए अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर ये लिखा हुआ है, तो हम कंज्यूमर को बेच रहे हैं, तो इनका कोई GST IN नहीं होगा, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो ये लगा लिया हमने। अब यहाँ पर आता है सेल्स का लेजर, जैसे वहां परचेस का आ रहा था वैसे यहाँ सेल्स का आएगा, तो सेल्स लगा लिया, एस प्रेस किया, सेल्स के सारे ग्रुप हाईलाइट हो गए। अब यहाँ क्या करना है, सेल्स अकाउंट का लेजर लगा देना है, लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पर GST तो एप्लीकेबल ही रहेगा, बाकी सारी डिटेल को आप यस करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कोई स्टॉक आइटम नहीं बनाना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है उसको बेच दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप 5 बोर्ड स्टॉक बेच रहे हैं, तो कीमत आपको डिसाइड नहीं करनी पड़ी, जैसे यहाँ 5 डाल के और एंटर किया आपने, तो यहाँ 22,000 अपने आप आ गया, देख रहे हैं। अब मान लीजिए लैपटॉप भी सेल कर रहे हैं, तो यहाँ एल प्रेस किया, लैपटॉप आ गया, अब लैपटॉप मान लीजिए 2 ही सेल कर रहे हैं, तो कीमत अपने आप आ गई, देख रहे हैं, आपको डालने की जरूरत ही नहीं। तो ये फायदा है स्टैंडर्ड रेट सेट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे CGST का लेजर आ गया और यहाँ SGST का लेजर आ जाएगा, ये देखिए ये SGST भी आ गया, तो सब कुछ हो गया है। यहाँ ईवे बिल भी आपको देना है, तो ये सारा डिटेल दे करके, और यहाँ पे द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट ये दे दीजिए और एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए, बस बवाल खत्म, ठीक है। यहीं तक आपको करना है, अगर ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो ये यस कीजिएगा, और यहाँ पर जो है ईवे बिल जनरेट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो गया है। अब यहाँ से बाहर आते हैं और इसका प्रिंट आउट देख लेते हैं, तो ये सेल्स है, यहाँ पर जाकर के एंटर कीजिए और अल्ट पी कीजिएगा, आपको क्या करना है अल्ट पी करके एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, आई बटन प्रेस करना है, आई बटन प्रेस करते ही ये ओपन हो जाएगा और ये पूरा डिटेल आप देख पाएंगे, देखना है। मान लीजिए ये टैक्स इनवॉइस आप नहीं देखना चाहते तो आपको क्या करना है, बाहर आना है और यहाँ पे टाइटल को चेंज कर देना है, हमारे दुकान का नाम है सूरज कंप्यूटर शॉप, तो यही हमने दे दिया, ठीक है। जो भी दुकान का नाम आप देना चाहते हैं या जो भी चीज यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे दीजिए, और देखिए वही चीज बिल पे प्रिंट होकर आएगा, देखिए यहाँ पे सूरज कंप्यूटर शॉप आ रहा है ना, तो जो भी चीज देना चाहे इस तरीके से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो ये समझ में आई होगी आपको। अब जब सेल किया है तो कैश में कर दिया, लेकिन मान लीजिए कभी कभी उधार में भी सेल हो जाता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो है ये तो कैश में हो गया, अब हम उधार में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बी बटन प्रेस करते हैं, वाउचर में चलते हैं, सेल ही करना है, तो यहाँ पर सेल करेंगे और मान लीजिए 2 दिन बाद कोई पैसा देगा, कोई ऐसा
जो है ग्राहक है आपका, जो कि बहुत ज्यादा विश्वसनीय है, पता है कि दो दिन बाद वो पैसा दे ही देगा, तो आप अल्ट सी करके एक लेजर बना लीजिए उस ग्राहक का। जैसे मान लीजिए उसका नाम है गौरव, तो ये गौरव दे दिया, ठीक है, ये डेटर पार्टी है हमारी। यहाँ पर आते हैं सन्ड्री डेटर का ग्रुप रहेगा, ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री डेटर, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये एक्सेप्ट करा लिया, और ये डिटेल भी चाहे तो भर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कराएंगे, सेल्स का लेजर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि गौरव को आपने एक लैपटॉप बेच दिया 35,000 का, ठीक है, लेकिन इन्होंने पैसा दिया नहीं तत्काल में, तो यहाँ पे CGST आ गया, और SGST बिल तो देने करेंगे हम, ठीक है, तो ये SGST आ गया, एंटर करेंगे, और द गुड्स हैव बीन सोल्ड SOLD ऑन क्रेडिट, ये हमने दे दिया, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो ये हमारी एंट्री तो हो गई, लेकिन अभी इसका पेमेंट मिला नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, उधार की पैसा दिखेगा, ये देखिए बिल दिखा देता हूँ, ये लास्ट वाला बिल है, यहाँ पे देखिए अल्ट पी कीजिए, एंटर कीजिए, आई बटन प्रेस कीजिए, तो ये इस तरीके से दिखेगा लैपटॉप, ये देख सकते हैं ना, ये इस तरीके से आएगा। लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि हम जो है इस पर क्या करना चाहते हैं, इसका पेमेंट करना चाहते हैं, तो पेमेंट के लिए बच्चे क्या करते हैं, सीधा पेमेंट वाउचर में चले जाते हैं। आपको पेमेंट वाउचर में नहीं जाना है, पेमेंट वाउचर में एंट्री किया तो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है, आप खुद को ही पैसा दे करके, खुद ही रिसीव कर लेंगे, और ऐसी स्थिति में आपका काम सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बी बटन प्रेस करना है और रिसिप्ट वाउचर में जाना है, न कि पेमेंट वाउचर में। तो F6 प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, F6। अब यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा हो, क्रेडिट आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, यहाँ पर आपको डेटर पार्टी का लेजर लगाना है, यानी गौरव नाम से हमारी डेटर पार्टी है, इसका लगा दीजिए लेजर। दिख रहा है कि 39,200 बकाया है, अगर ये कैश में 39,000 या बैंक से भी 39,200 दे रहे हैं, तो ये ले लिया हमने, एंटर किया, और यहाँ पर आकर के यहाँ पे कैश कर दीजिए, ये कैश कर दिया और एंटर करके, और यहाँ पर आप चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जब दोबारा लगाएंगे ना वही सेम लेजर, यानी गौरव का लेजर लगाएंगे, तो यहाँ बैलेंस नीचे 0 दिखाएगा, इसके पहले अमाउंट पूरा दिखा रहा था। तो ये वो प्रॉपर वे है, मैंने पूरा प्रॉपर वे आपको समझा दिया है, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हालांकि अब कोई दिक्कत आएगी नहीं, पूरा डिटेल समझा दिया आपको, कहीं कुछ भी ना नोट्स बनाने की जरूरत है, ना कहीं लिखने की जरूरत है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, इसी को 10-20 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।